हे एवरीवन, मैं प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये हैंड नेटेड बो। तो देखिए, दिखने में इस तरीके से दिख रही है। इसका यूज़ आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, इवन आप बच्चों के प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, किसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसको यहाँ पर बनाया हुआ है। तो फिर चलिए हम इसको बनाते हैं। बो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं टोटल 18 फंदे। अगर आपको छोटी बो बनानी है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये वाली बो मैं अपने एक प्रोजेक्ट में यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है 18 फंदे। तो देखिए, पहला फंदा स्लिप किया, दो फंदे आप उल्टे बनाइए इस तरीके से नेडल डालते हुए, थ्रेड पीछे ले जाइए और लास्ट के तीन फंदे बचने तक आपको यहाँ पर सीधे फंदे बनाने हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हम सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये अभी हम सेंटर में सीधे फंदे बना रहे हैं। ये देखिए, तो लास्ट में हमारे पास यहाँ पर तीन फंदे हैं, तो जिसमें हम दो फंदे तो उल्टे बनाएंगे और लास्ट में ये धागा पीछे करके सीधा बना लेंगे। ये देखिए, वापस से आएंगे, जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं उनको वैसे ही बनाना है। तो जैसे कि पहला फंदा स्लिप किया, फिर हमें दो फंदे यहाँ पर सीधे दिख रहे हैं, तो धागा पीछे करके सीधे बनाइए। फिर यहाँ पर हमें उल्टे फंदे दिख रहे हैं, उल्टा बनाएंगे लास्ट के तीन फंदे बचने तक। ये देखिए, लास्ट में तीन फंदे बचे हैं जिसमें हम दो फंदे सीधे बनाएंगे। तो धागा पीछे कीजिए, दो फंदे सीधे बनाइए और एज वाला फंदा भी सीधा ही बनेगा। तो आपको यही रिपीट करते हुए जाना है इस तरीके से, जब तक कि आपका ये पैटर्न इतना ना हो जाए, अराउंड 3 इंच, 3 साढ़े 3 इंच ये ना बन जाए, तब तक आपको इसको यही रिपीट करते हुए जाना है। यहाँ पर देखिए, ये बनकर तैयार है और ये एग्जैक्ट 3.5 इंच बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से एग्जैक्ट 3.5 इंच है। तो आप लेंथ अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। तो आप देखिए क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पर बाइंड ऑफ कर देंगे। तो देखिए क्या करना है, ये फंदा स्लिप किया, दूसरे को बनाएंगे और लास्ट वाले को जिसको स्लिप किया था उसको निकाल देंगे इसके ऊपर से। अगेन एक फंदा बनाया, पीछे से एक फंदा निकाल दिया। फिर देखिए, एक फंदा बनाया यहाँ पर, आप ये देखिए इस तरीके से निकाल दिया। फिर एक फंदा बनाया और इस फंदे से इसको निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम इसको पूरा बाइंड ऑफ कर देंगे और यहाँ पर हम इसका थ्रेड कट करके फिनिश कर देंगे। ये देखिए लास्ट लो, और यहाँ पर इसको कट कर दीजिए और इसको टाइट कर दीजिए। तो ये देखिए, एक ये इस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। तो ऐसे ही ये मैंने थोड़ा बड़ा बनाया, नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगी उसमें थोड़े से फंदे कम लूँगी। जैसे मैंने इसमें 18 फंदे लिए थे, तो उसमें मैं अराउंड 14 फंदे लूँगी और थोड़ा सा लेंथ कम करूँगी, अराउंड 2.5 इंच। तो देखिए, इस तरीके से मैं एक सैम्पल और बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हमने बो के लिए दो ये पीसेस तैयार करके रख लिए हैं रेक्टेंगुलर शेप के। अब हमें क्या करना है, एक डोरी बनानी है। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, तो डोरी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ये वाइट कलर यूज़ करूँगी। तो उसके लिए हम 4 फंदे डालेंगे इस तरीके से। आप कोई भी तरीका यूज़ करिए फंदे डालने के लिए। तो मैं यहाँ पर देखिए 4 फंदे ले रही हूँ।
ये देखिए चार फंदे हैं हमारे पास। तो देखिए आप क्या करना है, इन चारों फंदों को हम, ये देखिए एक फंदा स्लिप करेंगे, इसके बाद में ये जो सेंटर के दो फंदे हैं, देखिए एक इधर हमारा एज वाला हो जाएगा, एक ये एज वाला है, तो बीच के जो दो फंदे हैं इनको हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और लास्ट वाले को धागा पीछे करके सीधा बना दीजिए। तो देखिए बैक साइड स्लिप किया पहला फंदा और दो फंदे सीधे बनाए, उल्टे लास्ट का फंदा सीधा बना दिया। तो यही आपको रिपीट करते हुए जाना है, लगभग 3 इंच तक आपको इसको रिपीट करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको अराउंड 3 इंच तक बनाकर बाइंड ऑफ कर दिया है, और ये देखिए लास्ट थ्रेड है, तो इसको अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये जो हमारी बो है ये हमने रेक्टेंगुलर शेप के बनाए हैं, तो आपको क्या करना है, देखिए तो देखिए क्या करना है आपको, ये बॉर्डर सा जो दिख रहा है, जो हमने गार्टर स्टिच का ये बनाया था, देखिए ये बॉर्डर, तो बस यहाँ से ऐसे पकड़िए, एक फोल्ड इधर कीजिए, और दूसरे साइड का बॉर्डर देखिए इस तरीके से मिलने हमको बनाना है, हो सकता है आप देख पा रहे हो, देखिए इस टाइप का बनाना है ऐसे, ये देखिए इस तरीके का हमको बनाना है। तो यहाँ पर हम टक्कर दे रहे हैं, तो टक्करने के लिए मैं यहाँ पर देखिए ये हमारा जो वाइट पार्ट है ये पीछे रहेगा, और जो छोटा वाला हमने पर्पल बनाया है ये इस तरीके से इसके ऊपर लगेगा। तो मैं यहाँ पर देखिए पर्पल कलर यूज़ कर रही हूँ दोनों को ही सेंटर में टक करने के लिए, तो देखिए इस तरीके से नेडल डालकर मैं इनको टक कर दे रही हूँ ऐसे। ये हमारा हो गया, नेक्स्ट क्या करना है, अब ये देखिए ये वाला है, इसको भी इसके बॉर्डर पकड़िए दोनों तरफ साइड से, ये देखिए हमें इस तरीके से दिखेगा, तो इसको भी हम ऐसे ही टक कर दे रहे हैं सेंटर में। आप चाहें तो इसको अलग अलग टक कर कर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको ऐसे किया, अब आगे से थ्रेड लाकर ये देखिए वापस से यहाँ पे ये देखिए पुल कर दूंगी। अभी हम इसको काटेंगे नहीं, तो अब देखिए क्या करेंगे, ये जो हमने पट्टी बनाई थी तो उसको हम इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से देखिए इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पर देखिए ये जो जॉइंट्स हैं इनको यहाँ पर ऐसे बांध देंगे। अगर आपका बाई चांस पट्टी थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए बाइंडिंग में। तो इस तरीके से ये देखिए हमारा वो रेडी है। तो आप इसको किसी में भी आप सजा सकते हैं, किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने एक कैप बनाया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ, तो ये देखिए इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से बनाया है, और ये इस तरीके से आपको दिखेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले समय में नए नए वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।